पापियों को पासी भागवत समान की आएगी पापियों को पास से Thank you.
राम राम हरे 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 कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रश्न विष्णु पाद अष्टोदर सरसी श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सद में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं हे अर्जुन बोले अजोपि सन्न अभय आत्मा भूतानापि सौरभि सन्न प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। वही अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन ये अजन्मा होते भी फिर मैं जगत में क्यों जन्म लेता हूँ। हमारे ठाकुरों ने उसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए, इसको पीछे उन्होंने 10 कारण बताए भगवान जगत में क्यों आविर्भाव होते हैं। पहला कारण है बोले जरा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले हे अर्जुन इसलिए इसी जगत में मैं अवतीर्ण होता हूँ जब जब इसी जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए और धर्म की हानि होने लगे और स्त्री पृथ्वी गो ब्राह्मण संतों को ऊपर में अत्याचार होता है तब तक हमें इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और भक्तों को मैं पालन करता हूँ। कभी ये का एक कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है बोले अनुग्रहाय भक्तानां करमी विविध क्रिया। फिर मैं भक्तों को ऊपर में अनुग्रह कृपा करने के लिए आता हूँ। अगर भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते हम लोग कल यहाँ पर बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हमने उत्सव मनाया। फिर क्या उत्सव मनाते, फिर तो अपना संसार में घर गृहस्थ में लग रहे थे। इसलिए भगवान जीव को ऊपर में कल्याण करने के लिए जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान जगत में मीठी मीठी प्यारी प्यारी प्रभु लीला करते हैं। कहती है कि दूसरा कारण नहीं। बोले तीसरा कारण क्या, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब कंस का कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए तब श्री वसुदेव महाराज कह रहे हैं बोले प्रभु आपको तो मैं बालक रूप में प्रार्थना की थी, आप तो 16 साल के बच्चे जैसे आप अवतीर्ण हुए हो। कृष्ण ले देखो पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रिष्णी और सुतपाई और कठोर तपस्या तुम दोनों की, पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे उसको खा खा करके तपस्या की। जब मैंने कहा भैया वर मांगो तुम दोनों ने कहा हे प्रभु आप जैसे मुझे एक लाला चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसे तो कोई होते नहीं, मेरे जैसे तो मैं हूँ। बोले ठीक है अगली जीवन में मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा, इसलिए भगवान अवतीर्ण हुए। चौथा कारण बताए पूर्व जन्म में नंद और जसोदा के दिए थे द्रोण और धरा, ये दोनों भी पितामह ब्रह्मा जी को आराधना की। ब्रह्मा बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले हे प्रभु जैसे स्वभाव रूप में
एक बच्चा माँ की पेट से जन्म लेते हैं, ये बच्चों को बैठा दो, बच्चे लोग बैठ जाओ, जैसे सोमा के रूप में एक बच्चा माँ की पेट से जन्म लेता है, गर्भ से आप ऐसे जन्म लो, जैसे माँ बच्चों को दूध पिलाती है, पल पिलाती है, अंगुल पकड़ करके ठोक ठोक करके चलाना सिखाती है, मैं चाहता हूँ ऐसे प्रेम तथास्तु भगवान बोलती है। फिर वो नंद और जसोदा रूप में आई, इसलिए कृष्ण मथुरा में तो कंस का कारागार में प्रकट हुई, लेकिन उनको पल्ले में झुलाया किसने, उनको स्तन किसने पिलाया, गोद में उनको लाड लड़ाया किसने, बोले श्री नंद और जसोदा। इसलिए भी भगवान इस जगत में आए, कितना कारण हो गया, हम लोग गिन रहे कि नहीं, इसका कितना कारण हो गया, चार कारण हो गया है। उसका पंचमा कारण बताए, जिस समय भगवान राम लक्ष्मण और माता जानकी वनवास में गए थे, अभी सुपर्णखा प्रभु का रूप देख करके एकदम बाबरी बन गए और बड़ी सुंदरी बन करके प्रकट होगी, बोले मैं जैसे सुंदर हूँ भगवान आपको भी वैसे सुंदर बनाया, हमारा जोड़ी बड़ी प्यारी है, आओ मेरे से शादी कर लो। बोले मेरे अलड़ी और एक सीता मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी सीता। इतने में लक्ष्मण गए थे लकड़ी लेने के लिए, हम लकड़ी लेकर के आए, बोले ये कौन है, बोले ये मेरे छोटे भैया है, बोले अभी पत्नी है नहीं, है कि नहीं, बोले अभी तो कोई पत्नी नहीं, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ, बोले तेरी जैसे मनमानी तो कौन रोक सकते हैं, पूछ करके देख लो, बोले लक्ष्मण मेरे से शादी कर लो। लक्ष्मण बोले अभी तो प्रभु राम से कुछ मांग रही थी, ये बताओ तुम रानी बनना चाहते ना दासी, बोले रानी, बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना सेवकाई करते करते थक जाओगे, कहा रानी बनने की तो स्वप्न देख जाओ, प्रभु राम से जांचना करो। फिर राम के पास में गई, प्रभु ने इनकार कर दी, बोले ये सीता जितने गड़बड़ की कारण है इसलिए इसको ही मैं खा जाती हूँ। इतने में राम ने इशारा किया तो लक्ष्मण इसकी नाक काट दी, बोले नाक क्यों काट दिए, बोले लक्ष्मण ये गुरु है, गुरु का काम होता है शिष्य को उपयुक्त बना करके प्रभु की सेवा में लगाए, लक्ष्मण समझ गए इसने प्रभु को हृदय में बैठा लिए और प्रभु भी इनको स्वीकार कर लिए। एक स्त्री जितने सुंदरी क्यों नहीं हो, उसका नाक और कान काट तो दुनिया में कोई पूछेगा उसको, बोले और तुम किसी की बन करके मत रहो, बोले प्रभु कृष्ण के ही बन करके रहो, वही फिर आती है कुब्जा बन करके कृष्ण लीला में, ठाकुर जी उसकी इच्छा पूरी करते हैं, ठाकुर जी कहते ये एक कारण है। बोले छठवां कारण बताए, आप लोगों ने कल देखा था जब भगवान श्री बामन रूप में आए, बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नमाला। अभी माताओं का एक स्वभाव है, अगर किसी सुंदर बच्चे को देखे ना इच्छा करता है इसको गोद में लेकर हम प्यार करें। अभी भगवान तो बड़े सुंदर बन करके आए थे, अभी रत्नमाला सोच रही है अगर ये मेरे लाला बन करके आएगा ना मैं दिन भर इसको गोद में लेकर प्यार करूं। भगवान बोले कोई बात नहीं बेटा बना जाएगा, लेकिन जब दो पग में सब कुछ ले लिए अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं, उन्होंने गरुड़ को ला के नाक फांस बंधन में बांध दिए। अभी वो रत्नमाला सोच रही है ये तो बड़ा दुष्ट है, मेरे पिताजी का तो सब कुछ हरण कर लिया और फिर मेरे पिताजी को बांध भी दिए, बोले अगर तुम मेरे बेटे बन कर आओगे ना तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। वही कृष्ण लीला में पुतना करके आती है, ठाकुर जी दूध भी पीते हैं और उसको विष भी पान करते हैं ठाकुर जी, यदि ये भी एक कारण है। उसका सप्तम कारण बताए, जिस समय भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, गुरु
जी को बोले गुरु जी थोड़ा आदेश दो, ये जनकपुरी थोड़ा दर्शन करके हम आते हैं। बोले दर्शन करने नहीं, सबको दर्शन दे करके आ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश करते हैं, जो एक बार प्रभु का दर्शन करे वो हल्ला मचा दे। क्या सुंदर दो बालक आए, मानो एक लाल में चंद्र और सूर्य प्रकट हुए। यहाँ पर एक श्याम रंग के गौर रंग दोनों धनुष बाण लोग विभूत हुए, अद्भुत प्रभु की जोड़ी जैसे दो मत वाला हाथी जैसे मेन रोड पर चल रहे हैं। अपूर्व प्रभु की जोड़ी थी। अब जो देखे हला मचा दे, बोले श्री राम लक्ष्मण की जोर से जयकार ले रहा, बोले श्री राम लक्ष्मण की। सारा दुनिया प्रभु का दर्शन करने के लिए आते हैं। जो जनकपुरी में जो किशोरियां थी सीता की सहेलियां, वो सब के सब झरक से कर और छत के ऊपर में खड़ी कर दे रही। लेकिन प्रभु राम का एक अपना सर को नीचा करते नीचा देखते देखते जाते थे, कभी सर को ऊंचा नहीं देखते थे। अभी छत के ऊपर में कुछ जनकपुरी के किशोरियां खड़ी थी, अभी प्रभु को दर्शन करने के लिए झांक रहे थे, लेकिन प्रभु तो सर को नीचा किए हुए थे। इतने में ऊपर से थोड़ा खास है, कैसे थोड़ी किए, मतलब है प्रभु जी थोड़ी ऊपर से अगर देखे ना फिर प्रभु का दर्शन हो जाएगा, लेकिन प्रभु तो कभी किसको देखते ही नहीं। लक्ष्मण कौन है, बोलिए गुरु है। बोले गुरु का क्या काम, बोले जीव को भगवान से मिलाना, ये गुरु का। इसी ऊपर में थोड़ा झांक करके देखो, प्रभु बोले लक्ष्मण खबरदार, ये मायापुरी है, ऊपर ने सीधा नीचे देख करके चलो। लक्ष्मण बारंबार प्रार्थना की, बोले प्रभु एक बार तो देखो, प्रभु एक बार ऊपर देखे ना, जितने वो किशोरियां थी वो सब सब बेहोश हो गए प्रभु रूप देख करके। जब उनकी होश आई सब सब राम के पीछे पड़ गए, बोले हमसे शादी कर लो। राम बोले लक्ष्मण देख लिया, अब तो शादी कर, मैं तेरे को पहले से मना कर रहा था देखना नहीं। राम बोले देखो इसी अवतार में मैं मृदा पुरुषोत्तम हूँ, एक सीता के सिवाय मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। तुम सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ और तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। वही सबके सब द्वापर युग में ये गोपी बन करके आए, तब ये भी एक कारण है। उसका आठवां कारण बताए, भगवान हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ किया। वशिष्ठ जी ने कहा देखो राम, बगैर पत्नी के तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो, नियम है पत्नी वाम पार्श्व में होनी चाहिए, तभी कोई शुभ कार्य तुम कर सकते हो, नहीं तो शुभ कार्य नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान ने राम को सीता जी को वनवास भेज दिया। बोले क्यों, हम लोग रामायण सुने होंगे, एक धोबिनी थी, वो गई थी अपना पीहर, पीहर से जब वो वापस आ रही थी बीच में एक नदी पार करना पड़ता है, हो गया था शाम, रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो रही थी, केवट ने मना कर दी रात को मैं नदी पार नहीं करा सकता। अभी उसको मजबूरी में एक रात एक केवट की घर में उसको बिताना पड़ा। जब सवेरे वो आई उसका पति ने पूछा पिछली रात को तो कहाँ थी, बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले मैं राम नहीं हूँ, रावण सीता को उठा करके ले गया। एक साल तक सीता ने रहा लंका में, और सीता आए तो राम ने तुमको बराबर आसन दे दिया, इसलिए मैं राम नहीं हूँ, तुमने पिछली रात जहाँ बीता है ना तो वहीं पर जा कर के बीता, मैं ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन रावण जिस सीता को उन्होंने उठा करके ले गया था वो सीता थी नहीं। अब रामायण देखे होंगे, देखे नहीं रामायण, इस समय सीता को वापस प्रभु लेना चाह रहे थे, लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण सीता से जाओ। बोले क्यों, बोले सीता को मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। लक्ष्मण तो भड़क गए, बोले रावण ने जोर जबरदस्ती अगर किसको उठा कर ले जाए इसमें दोष हो गया, मैं सीता को अपना माँ मानता हूँ,
आपको नाम पर मैं विद्रोह कर सकता हूँ। तब राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण मैं अपना सीता लेना चाहता हूँ। बोले मतलब, बोले जब रावण आया पहले से मेरे को पता चल गया ये रावण आने वाले हैं। मैंने अग्नि को पास में सीता जी को बोले सीते आए, मैं इसलिए इसी जगत में आया हूँ, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्ट नाम। मैंने दुष्टों को विनाश के लिए मैं आया हूँ, जब तक ये राक्षस वंश को मैं ध्वंस नहीं कर देता हूँ, हे सीते तुम कुछ देने के लिए ये अग्नि को पास में रहो। इसलिए उन्होंने अग्नि को पास में सीता को रख ली। वो जो सीता थी वो नकली सीता उसका थी नहीं, क्योंकि सीता कौन है, ये जगदम्बा जगत जननी माँ लक्ष्मी है। रावण कौन है, ये राक्षस है। राक्षस कभी माँ लक्ष्मी को छू सकते हैं, बोले छुएगा क्या, वो देख भी नहीं सकता है, क्योंकि जो दिव्य प्राकृत वस्तु है वो प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उसको दर्शन हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु राम बोले लक्ष्मण वो जो नकली सीता है ना वो अग्नि में प्रवेश करेगी, और जो असली सीता वो अग्नि से निकल कर के आ जाएगी। मैं अपना सीता को वापस लेना चाहता हूँ। इसलिए अभी जब रामचंद्र ने ये बात को सुनी हाँ, अयोध्या वासियों को, फिर भगवान राम ये दुनिया को शिक्षा देने के लिए उन्होंने माता सीता को उन्होंने त्याग दिया। यहाँ पर शिक्षा देते ही हाँ देखो ध्यान देकर माताएं जितने सुनो, यहाँ पर बताया कभी स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। इसलिए नीति शास्त्र कहता है उनको बचपन में पिता माता के अधीन में रहे, और जवानी में पति को अधीन में रहे, और बुढ़ापा में उनको बच्चों को अधीन में रहे। स्त्रियों को हर समय बताए, एक उदाहरण दिया जैसे आटा है, अगर उसको पानी में देकर अगर उसको आटा बना दो पानी में, देखना अगर घर की कोने में रखोगे ना उस चूहा जाए, अगर छत को ऊपर रखोगे तो कौवा खा जाए। कहते स्त्री जाति ऐसे की जाती है, कहीं रखो घर में रखो तो खा जाएगा, चूहा ऊपर में रखो तो वो उड़ा कर ले जाएगा। इसलिए बताए हर समय माताओं को अधीन में रहनी चाहिए, कभी स्वतंत्रता रूप में रहने का इनको स्वतंत्र नहीं दी गई। इसलिए भगवान राम श्री वशिष्ठ ने कहा देखो राम स्वर्ग सीता बना करके तुम अपना बाम पर्श में रख करके जगह कर सकते, बोले ये तो कर सकता। भगवान राम 18,000 साल तक इसी जगत में प्रभु राज्य थे, हर साल प्रभु एक एक यज्ञ करते थे और एक एक सोने की सीता बनती थी, और वशिष्ठ जी उसमें प्राण संचार करते थे, वो साक्षात बन जाती थी। बोले भैया इतने सीते गई, इतना सीता कहाँ गई, ये सब के सब द्वापर युग में भगवान जब पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण बन करके आए, वही सब के सब भी बन करके आए, और प्रभु ने सबको उन्हें स्वीकार किया। देखो कृष्ण ऐसे के देवता है ना, उन्हें किसी को छोड़े नहीं, उनको चरण में किसी तरह से केवल आ जा। अब ठाकुर जी को इतना बात बोल जी मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, केवल कृष्ण को एक बार ऐसे बोल दो, ये बाकी ऐसे ठाकुर है ना, उन्हें किसी को नहीं छोड़े, कुबड़ी को नहीं छोड़े, किसी को राक्षस को नहीं छोड़े, ठाकुर जी सबको गिर गली। बोले क्यों, जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्मा कह रहे हैं। बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने सबको ठाकुर जी ग्रहण किए, हाँ किसी को छोड़े नहीं। बोले ये एक कारण ही भगवान कृष्ण क्यों जगत में अवतरण हुए, कितना कारण हो गया, हम लोग गिन रहे कोई, कितना हो गया 9 कारण हो गया, देखो बच्चा गिन रहे। इसलिए क्या दसवां कारण बताए भगवान जगत में क्यों आए, कारण क्या है। एक समय
ये बैकुंठ से ठाकुर जी की चरण तुलसी और चंदन की खुशबू वो धीरे 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 ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक में पहले ये चतुर्सन ब्रह्मा जी की जो मानस पुत्र थे ये भगवान को निराधार निराकार कहते थे। इनका आकार नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, वो ब्रह्म ही निराकार है। लेकिन जब भगवान की चरण तुलसी चंदन की खुशबू वो ब्रह्मलोक में पहुंचा और इनकी नासिका में प्रवेश करते ही ये लोग तो एकदम उन्माद हो गए, एकदम उन्माद हो गए। बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहा है? बोले बैकुंठ से ठाकुर की चंदन तुलसी की सुगंधी। बोले पिताजी जिनकी चरण की तुलसी की सुगंध ही इतने सुंदर वो कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ बच्चो वो बड़े सुंदर हैं। बोले एक बार उनको दर्शन करके आए। बोले एक बार जाओ दर्शन करो। ब्रह्मा तो खुश हो गए। बोले क्यों खुश हो गए? ये तो भगवान को निराकार निराकार मानते हैं। बोले कब तक प्रभु को निराकार निराकार मानोगे? बोले जब तक प्रभु को तुम दर्शन नहीं करोगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो कत अति हर सीता। बस ब्रह्मा सुखाई मन त्यागा, बस ब्रह्मा सुखाई मन त्यागा, इन्हें बिलो कत अति हर सीता, इन्हें बिलो हर। इसलिए प्रभु को दर्शन करने का मात्र से ही वो जो ब्रह्म 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 कह रहे थे वो सारे ब्रह्म से खत्म, प्रभु का रूप में एकदम डूब गए। प्रभु का रूप में वो समझ गए ये राम ब्रह्म नहीं, ये राम कौन है? ये परम ब्रह्म स्वयं श्री भगवान राम है। इसलिए अभी जब चतुसान बैकुंठ में पहुंचे, सात दरवाजा पार होने पर प्रभु का दर्शन, छह दरवाजा तो पार हो गए। जब सप्तम दरवाजा में प्रवेश करना चाह रहे थे वहां पर जय और विजय खड़े हुए थे। उन्होंने अपना लहिया लेके रास्ता दिया। इसका नाम है बैकुंठ। बैकुंठ का मतलब क्या है? जहां पर काम क्रोध लोभ मोह, जहां पर किसी तरह का डर भी नहीं, जन्म मृत्यु जहां पर कुछ नहीं। बोले यहां पर हम जैसे ब्रह्म के हमें फिर आदेश का जरूरत है। जाओ तुम दोनों, मैं अभिशाप देता हूँ, तुम राक्षस योनि में चले जाओ। अभी तो ये न लगे इतने ठाकुर जी आए। बोले क्या बात? बोले ऐसे ऐसे। बोले देखो ये मेरे मन में इच्छा थी, मैं तो हर रस का आस्वाद में किया, केवल एक वीर रस आस्वादन नहीं कर पाया। सोच रहा हूँ किसको साथ में लड़ाई करूँ, भक्तों को साथ में लीला कर सकता हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है। देखो अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे ना, सात जन्म बाद में आओगे। अगर मैं शत्रु बन करके जाओगे फिर तीन जन्म के बाद में आओगे। बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी आपको पास में वापस आ जाए। बोले जाओ। इसलिए वही जय विजय पहला बार हिरण्यनाथ हिरण्यकश्यप बने, दूसरे अवतार में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरा बार में यीशु दंतवक्र बन करके आए और ठाकुर जी उनको उधारी। बस कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे राधे।
हरि बोल श्री राधे बोलो वृंदावन विहारी नारायण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे सब मिटि जाई कोटि जन्म की आपदा से जाई की राधे तू मैं भाग में कौन तपस्या की तीनों लोग सो तेरे आ मीठे रस से भरी महारानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे मीठे रस से भरी राधा रानी मनमोहन कोटि रूप धरि
Oh,
गोकुल में नंद के लाला बनकर के प्रभु आते हैं। कहते श्री नंद जी का बाबा जी का नाम था परिजन बाबा। कहते उनको थे पांच बेटे थे, उपानंद, सुनंद, नंद, अभिनंद और नंद। जब श्री परिजन बाबा को उम्र 50 साल हो गया, 50 बाद में जो अंक आता है, एकाबन, बाबन, चौबन, ये बन बन शब्द है, मतलब है ये चार आश्रम है। पहला 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, फिर उसको बाद में वानप्रस्थ है, मतलब है घर में नहीं रहनी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? बोले वृंदावन में भजन करने जाना चाहिए। इसलिए देखो जो अंक आता है ना, इसका नाम एकाबन, बाबन, चौबन, बन 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 शब्द आता है, मतलब और घर में नहीं, अभी वृंदावन में जाओ तो भगवान की भजन करो। ये पहले यही नियम था। लेकिन अगर हम वृंदावन में नहीं जा पाए किसी कारण से, लेकिन कम से कम अपना घर तो वृंदावन बनाओ, कम से कम अपने घर में तो ठाकुर को भजन करो, इतना तो कर सकते कि नहीं। ऐसे नहीं दिन भर बड़े बूढ़ों के साथ में बैठ करके सारा दुनिया की गप्पे मारे, दिन भर टीवी खोल करके देखे, भजन भजन मतलब नहीं। शास्त्र कहता है ये मानव शरीर मुक्ति की दरवाजा है, इसी जीवन में ही मुक्ति पा सकते हो। एक बार अगर ये मानव शरीर खत्म हो गया, ठाकुर जी बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते। इसलिए देखो जो अंक है ये बन बन, लेकिन अगर वृंदावन नहीं गए, देखो 69, 60, 61, 62, बोले 66 किया है, बोले फिर 60 बन जाओगे, फिर तुम कुछ होने वाले नहीं, 60 बन जाएगी। इसलिए 60, 60, 60 बताए, 60 बन जाओगे। लेकिन उसको बाद में देखो फिर 69, 70, 71, 72, इसका मतलब क्या है? हाँ, गोस्वामी जी एक बहुत अच्छी बात करते हैं, बोले इसी उम्र में भी हमारे कल्याण हो सकती है। बोले कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, बोले 60 को सारे 60 का गा सा 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 गा
कोई साधु मिल जाए के साठ भी सुधर सकते हैं। इसलिए जब श्री परजन्य बाबा को उम्र 50 साल हो गई, बोले और घर में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि घर में रह कर के भक्ति करना बड़ा कठिन है। हम लोग सब संसार में रहते होंगे, नाती पोती संसार मियाँ दारी, उसमें भक्ति करना बहुत ही कठिन, इसलिए बहुत कठिन भक्ति करना। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, किसी धाम में चले जाते थे,
और वहीं पर सत्संग सुनते थे, प्रभु का दर्शन करते थे, फिर मिल करके पति पत्नी ठाकुर जी की भक्ति करते थे। परिजन बाबा ने उनको 5 बेटे थे बुलाया, बोले देखो बच्चों तुम लोग सो, अब तुम लोग की शादी हो गई, हमारी संतान भी हो गई, हम उम्र हो गया 50 साल और हमें जानबूझ करके ये माया संसार में नहीं रहनी चाहिए, हम दोनों चाहते हैं पति पत्नी धाम वृंदावन में जाए और सत्संग करे और प्रभु की भक्ति करे। बच्चे लोग बोले ठीक है पिताजी, आप भजन करने के लिए जा सकते हो। बोले मेरे जो बड़ा बेटा को मैं राज सिंहासन में बैठाना चाहता हूँ, लेकिन बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्य मेरे नहीं, ये योग्य श्री नंद जी के अंदर में। अब नंद बाबा को राज्य सिंहासन में बैठा तो लोग खुश हो गए, तो बात सही कह रहे हैं क्योंकि इनका नाम नंद, नंद मतलब क्या है, बोले आनंदयत इति नंद, जो सब आनंद दे, इसलिए कहते हैं ना नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हर जोर से बोलो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैयालाल। तब उन्होंने श्री नंद बाबा उन्होंने राज सिंहासन में बिठा दिया और दोनों पति पत्नी भजन के लिए चले गए। 4 भाइयों को घर संतान, केवल श्री नंद घर में कोई संतान नहीं, इसलिए उन्होंने तीर्थाटन यज्ञ पूजा सेवा उन्होंने बहुत कुछ किया, घन एक बेटा की जन्म हो जाए क्योंकि भविष्य में राज गद्दी को कौन संभालेगा। अभी मैया जसोदा बूढ़ी भी हो गई, बच्चे देने का उम्र भी बीतती जा रही है। एक दिन ब्रज में कुछ साधु लोग भ्रमण करते करते आए, नंद बाबा को बोले बाबा कहते जो ना करे लकड़ी कहते सो करे फकरी, लकड़ी मतलब होता है भाग्य, अगर जो चीज तुम्हारी भाग्य में नहीं, फकरी मतलब होता है संत, अगर सचमुच से कोई संत हो अगर वो हमें आशीर्वाद दे देना जो असंभव है वो संभव हो जाता है। ठाकुर कभी संतों का को कंजूसी नहीं करते, जब उन्होंने संत सेवा की बड़ी महिमा बताए, नंद बाबा सोचे जब गंगा बहते बहते घर को सामने आ गई फिर भैया गंगा में तो गोता लगाई लेनी चाहिए, बोले संतों कुछ दिन ब्रज में रहो हमारी सेवा स्वीकार करो, रोटी पानी की कोई कमी नहीं। बोले भैया अगर रोटी पानी मिल जाए यहीं पर बैठ करके भजन करें, संत लोग आनंद से कर रहे थे। इतने में उनको पता चला, संतों को नंद बाबा की मन में इच्छा है घर में एक लाला की जन्म हो जाए, इसलिए हम लोगों को सेवा कर रहे हैं, हम इतना दिन से सेवा तो ले रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी घर में कोई संतान नहीं बनी। एक ब्रजवासी इसको सुन करके नंद बाबा को बोले, बोले बाबा मैंने सुना है संत लोग आपस आपस में चर्चा कर रहे थे नंद के लाला को है, बोले तुमने सुना, बोले अभी अभी सुन जा रहा हूँ। बोले भैया जब संत कहते हैं मेरे घर में लाला कब होएगा, जरूर लाला, क्योंकि संतों का वाणी ठाकुर भी झूठा नहीं करते हैं, भैया इनको बढ़िया से सेवा करो, इनको बढ़िया से चकाचक को भोजन खिलाओ। समूह से मैया जसोदा ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न देखी, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न है ना वो कभी कभी सही होता है, क्या स्वप्न देखे, बोले श्याम चंचल चारु दीर्घ नयन बालस्तवांक स्थले पयोधार स्फुटमसौ क्रीडांगमयाम लोक्यते। अभी स्वप्न देख करके दोनों की नींद खुल गई। नंद बाबा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। जसोदा बोली बोली नंद बाबा को, बोले मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखी है, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरे गोद में बड़ा सुंदर श्याम रंग का एक बालक पौध रहा है और स्तन पान करते समय ये दोनों हार से स्तन दूध बहते बहते उसका कुटा भीग रहा था, मेरे को लगा नहीं स्वप्न, मेरे को लगा सचमुच से तेरी गोद में एक सुंदर बालक है। मैया बोली मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बता दे।
बोले मैंने भी देखा है एक सुंदर श्याम रंग का बालक मेरे पीछे पीछे मामा मामा करते करते आ रहा है। बोले मैया मेरे को गोद में ले ली, मैया मेरे को दूध सचमुच से उसी रात कोई मैया गर्भधारण की। अभी मैया को गर्भ में संतान आने का चिन्ह दिखाई पड़ा। एक बड़ी बुरी गोपी थी, बोले मैया लगता है तेरे गर्भ में बालक जन्म होने वाला। बोले तेरे को पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, मतलब तुम्हारी गर्भ में बालक की जन्म होगी। एक बड़ी बुरी गोपी बोली, बोले मैया तुमने कुंवारी पण में जुड़ में केला तो नहीं खा ली थी? बोले क्यों? बोले ऐसे लग रहा है तेरे गर्भ में दो बच्चा है, सचमुच से दो बच्चे, एक कृष्णा और एक जोग माया। अभी गर्भ में जब बच्चे रहते माताओं की चटपटी चीज खाने की इच्छा करती है। भैया यशोदावली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर रही, बड़े सुंदर खीर बनवाई, सालक राम को भोग लगाया और मैया यशोदा को खीर खिलवाए। अभी नंद बाबा की एक बहन जिसका नाम थी सुंदा, वो आकर के घर का सारे काम काज को वही कर रही थी। लग रहा था आज रात कोई कोई बालक भी जन्म हो जाए, कुछ लक्षण दिख रहा था। गांव में 8 बजे तक सब जगे रहते, सुबह में सो जाते हैं। काम करो, 2 घंटा 2 घंटा की ड्यूटी लगवा दो, 8 से 10 तक दिन को ड्यूटी लगवाए। वो तो बड़े सुंदर कीर्तन किए। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राजा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की राधारानी की जय महारानी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय बोल कुंज बिहारी की जय 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 बोल कुंज बिहारी की जय जय। अभी 10 से लेकर के 12 बजे तक जी ड्यूटी लगवाए, इतने में जोग माया सबको सुला दी। पता नहीं मथुरा से कब श्री वसुदेव महाराज आए और उनने बालकों को रख करके वहां से बेटी को लेकर के चले गए, इसको पता ही नहीं पड़ा। सबके सब जोग माया सबको सुला करके रखी। सवेरे एकदम श्री सुनंदा की आंख खुली, बोले भैया भाभी क्या कर रही हैं? उनने दरवाजा खोल करके देखा, मैया जसोदा की गोद में श्याम रंग का एक सुंदर बालक किकारी मारते हुए खेल रहा है। बोले भैया कब बेटा का जन्म हो गया तुमको पता ही नहीं पड़ा, सब सो रहे हैं। बोले नंद भाई बाबा को पहले ये खबर दो, फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी। बोले नंद बाबा कहाँ ढूंढो तो सही, और ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में देखा, वो बड़े बुढ़ों को बीच में बैठ करके माला जप रहे थे। वो माला जब नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में लाला हो, घर में लाला कब है वो यही सोच रहे थे। इतने में सुनंदर आकर के हल्ला मचा दिए, बोले बाबा काल है गए हो। इतना सुनते ही तो नंद बाबा छलांग लगा दिए, बोले बताओ कहा भाई, बोले बताओ मेरे को मिलेगा क्या? बोले तेरे को नला के हार। बोले बाबा बात इतने बड़ी जिसको सामने ये नबला की हार भी कुछ नहीं। बोले इतने बड़ी बात? बोले हाँ। बोले और क्या मिलेगा? बोले जमुना किनारे में वो जमीन है ना जो गैया चलते हैं, वो सारे जमीनी जगह हम तेरे नाम पर लिखवा देंगे। बोले बाबा बात इतने बड़ी वो जमी जगह तो भी कुछ नहीं उसको सामने। बोले और क्या मिला? बोले ले ट्रेजरी का सारे चाबी काटी तू ले ले, जो इच्छा सो ले ले, लेकिन ये बता दे घर में कहाँ गए हो। बोले बाबा ट्रेजरी का चाबी काटी भी उसको सामने कुछ नहीं। बोले क्या?
इतने बड़ी बात। हाँ बोले इतने बड़ी बात नहीं, बोले और क्या दोगे? बोले बाबा आज से नंदा बाबा, बोले आज से मैं तेरा बन गया। लेकिन ये बता तो सही घर में कहा भयो है? बोले बाबा तेरे घर में लाला भयो है। बोले श्री नंद के लाला की। अब कोई ताली नहीं बजाए। अभी नंद बाबा इतने खुश हो गए, क्यों? कितने तपस्या, कितने यज्ञ, कितने दान, कितने पुण्य उन्होंने किया, घर में एक बालक भी जन्म हो जाए। इतने प्रसन्न हो गए नंद बाबा, उनसे दौड़ लगाए। लेकिन ब्रजवासी बोले बाबा जीवन में पहला बार तुम लाला का मुख दर्शन करोगे, थोड़ा सजग करके जा। बड़े सुंदर बगल बंदी धोती पहना दिया, पगड़ी बांध दिए, गले में सुंदर माला पहना दिया, तिलक लगा दे, बोले जा अभी जा। जीवन में पहला बार जब लाला की मुख दर्शन की, उनमें संकल्प ले ली ब्राह्मण संतों को 20 लाख गैया में दान दूंगा और 7 तिल का पर्वत दान दूंगा। तिल का जो दान बड़ा महत्वपूर्ण मानी गई, उन्हें संकल्प उन्होंने कर लिए। बोले पहले ब्राह्मण और संतों को बुलाओ, इनकी आशीर्वाद से बूढ़े उम्र में लाला का दर्शन मिला। संत ब्राह्मण के बोले सुंदर स्वस्ति लाला को आशीर्वाद देते हैं। बोले स्वस्ति नो गोविंद, स्वस्ति नो अच्युतानंतो, स्वस्ति नो वासुदेव विष्णुर ददातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलय केश महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्वकार्येषु माधव लाभस्ते साञ्जस्तेषां कुतस्ते सांग पराभव जैसांदिवस्याम हृदयस्तो जनार्दन। सब स्वस्ति बात ने दिया लाला को आशीर्वाद दिए। नंद बाबा के नाई को बोले जाओ ब्रज में तीन सब पांच सड़िका ढिंडरा बिठा दो, नंद के लाला भयो है सब के सब बधाई देने के लिए आए। और गोपियां सुनते ही वो 6 महीना पहले से 84 गज की लहंगा बना करके रखे थे, बड़े सुंदर चुंदरी बना कर रखे थे, बल्कि सही नहीं करके बधाई देने जाएंगे। और गोपियां 16 श्रृंगार धारण करते हुए दूध दही मक्खन घी मिश्री लेकर के 3-4 मटकियों में सर पर रख करके बधाई देने आ रही है। और जितने ब्रजवासी थे पुरुष लोग धोती पगड़ी तिलक माला पहन करके भगवान को बधाई देने आ रही। जब आए गोपियां जब आ रही थी, उनको कान में जो कुंडल थी बड़ी जोर जोर से मिल रहा था। बोले क्यों? बोले तुम पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, जा करके हम लाला बधाई देंगे। उनको चोटी को जो सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते हुए चरण की पूजा कर रही थी। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को जन्मोत्सव में जा रही है उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। जितने गोपियां थी श्री मैया यशोदा को बधाई दे रही थी। हाँ देखो माताएं, इस तरफ में जितने गोपियां हैं मैया यशोदा को बधाई दे रही हैं। मैं बोलूंगा मैया यशोदा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो बधाई हो। क्या बोलोगे? जोर से बोलना, ठीक है? बोले मैया यशोदा बधाई हो। आनंद आया, पीछे कुछ माताएं चुपचाप बैठी हुई, क्या उनका आनंद नहीं आ रही? जोर से बोल। आपको बाद में भैया को बारी आएगी, देखते हैं कि सहा जा रहा है। जोर से बोलना और एक बार, बोले मैया यशोदा बधाई हो। हाँ मैया यशोदा बोली बधाई हो ब्रज गोपियों, तुम लोग आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी लाला का दर्शन मेरे को मिला है। ये लाला मेरो नहीं, ये लाला सब तुम लोग लाल। और जितने गोपियां थी ना कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थी। बोले क्या दे रही? जुग जुग जी होरी यशोदा मैया तेर लैला, जुग जुग जी होरी यशोदा मैया तेर लैला,
मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना जग जी ओरी जसोदा मैया तेरो ललना सब दुनिया को आशीर्वाद दिए। अभी जितने गोप लोग थे श्री नंद बाबा को बधाई दे रहे थे, देखो आप लोग सब नंद बाबा की दल है, जोर से बोलना ठीक है। मैं बोलूँ नंद बाबा भाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो बधाई हो जोर से। अभी जितने गोप लोग नंद बाबा को बोले बोले नंद बाबा बधाई हो बधाई हो। बाबा ने गड़बड़ कर दिया, अरे ये तो गड़बड़ कर दी, ये नंद बाबा का आगे बधा दिए उन्होंने। लेकिन जो कुछ भी हो लेकिन गोपियां ही जीतती हैं। राधा रानी हर से इसलिए गोपियां कहती हैं सुन बरसाने बारी बोला देो बनवारी जितने ब्रजवासी भी कन्या को आशीर्वाद दिए जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरे सब आशीर्वाद लाला को दिए। खूब फतेह बोलते रहो बेटा और खूब ब्रज करो। सारे ब्रजवासी कन्या को आशीर्वाद दिए। अभी ब्रज में दो राजा, एक नंद राजा और एक वृषभान महाराज। वृषभान महाराज कौन है आप बता सकते हो? वृषभान महाराज कौन है? राज की पिता वृषभानु बाबा। ये दोनों में बड़ी मित्रता है। नंद बाबा भी अपना बेटा का जन्म उत्सव में उन्हें बुलाए, लेकिन अभी सबके सब आ गए, केवल कृत्या मैया और श्री वृषभानु महाराज नहीं आए। बोले ये दोनों आ जाए ना फिर उत्सव प्रारंभ होगी। देखते देखते दोनों अंदर में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया कृत्या मैया ने बड़ी सुंदर लड़क श्रृंगार करके आई, 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके, और एक मटकी में दही, एक में दूध, एक में मक्खन, एक में मिश्री, एक में घी लेकर के आई। इतने में एक गोप ने गया और डंडा लेकर के ना वो मटकी को जोर से मारे, मारते ही मटकी तो फूट गई और दूध दही से मैया कीर्ति का स्नान कर। एक दधिकादि होता है, दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरों के ऊपर लगाते, ये मंगल की। वहां पर इतने दही दही लाए, वहां तो कीच कीच हो गया, फिसल फिसल करके एक दूसरों के ऊपर में गिर रहे थे, और मक्खन डेले की डेले उठा उठा करके एक दूसरों के ऊपर में फेंक रहे थे। एक 7 साल की डोकरी थी वो तो ऐसे करके देख रहे थे, बोले भैया महोत्सव है रहे है। एक गोप ने मक्खन की डेला उठाया और माता की मुंह को लक्ष्य करके मारे, उसका तो एक दांत थी नहीं और मुंह में लगे ना सीधा अंदर में सटक गया। बोले यार नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं, इसलिए सबके सब गा रहे थे। हाँ बोले नंद के आनंद भयो जय लाल के, नंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो बोल आनंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा जय जय
लाल की हाथी घोड़ा लाल जय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की सब नाच रहे गा रहे लेकिन नंद बाबा बैठी बैठ करके मटको मटक करके देख रहे थे। ब्रजवासी बोले भैया तेरे घर में लाला भयो है, देखो सारे ब्रजवासी नाच रहे और गा रहे और तू बैठ बैठ कर देख रहे हो, अरे तेरे घर में इतने सालों के बाद लाल भयो आज थोड़ा नाच ले। तब हमारे गोस्वामी लोग बड़ा सुंदर वर्णना किए, बोले श्री नंद बाबा का जो आंगन है ना राजा का ना बहुत बढ़िया आंगन, इतने दूध दही मक्खन लाए थे पूरा आंगन आंगन भरिया दूध दही में, ऐसे लग रहा था जैसे मानो कि खीर समुद्र है। नंद बाबा देखने में कैसे बड़े सुंदर, एकदम गौरव वर्ण के लंबे चौड़े नंद बाबा बड़े सुंदर देखने में थे। अभी श्री नंदगांव बरसाना का गोप ने किया कि नंद बाबा कमरे में के फेटा बांध कर रखे थे, उनको पकड़ करके ना बीच में ले आए, जब ले आए ऐसे लग रहा था मानो यहाँ पर खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। बड़े सुंदर उदाहरण दिया, कल हम लोग सुन रहे थे देवता दैत्य मिलकर के लवण समुद्र का मंथन किया, लेकिन यहाँ पर श्री ब्रजवासी कहते ये निर्गुण है और देवता दैत्य कौन है, ये रजोगुणी और तमोगुणी, और वहां से सबसे पहले जहर निकला जिसको शंकर जी पान किए तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन जन्म हुए, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद मामना, यहाँ पर तो स्वयं आनंद कंद भगवान कृष्ण सबसे पहले कन्हैया यहाँ पर जन्म हुए। कल जो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला था, लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित नंद बाबा इतना प्रसन्न होकर के इतने दान दिए, ब्राह्मण लोग तो हीरे जवाहरात को गठली में बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे और गठली की कोने से हीरे जवाहरात गिरते 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 जा रहा था, अली गलियों में हीरे जवाहरात बिखरा हुआ है, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेकर माँ लक्ष्मी कौन श्री राधा रानी गली गलियों में मैंने ना गया आनंद में, इतने हीरे जवाहरात तो बिखर रहा था, इतने दान दिया कोई लेने वाले ही नहीं रहे, इतने उन्होंने दान दिए। बोले भैया इतने पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया इतना पैसा जो नंद बाबा दे रहे हैं, कहते वहां पर कुबेर जो धन कुबेर सारे रुपया पैसा का जो मालिक है उसने भी देख करके लज्जित हो गया, सर ऊंचा हो गया, बोले मेरे को भगवान ये झूठ मूठ का क्यों कुबेर बनाए, नंद बाबा को पास में इतने धन दौलत है, भैया मेरे पास में भी इतने धन दौलत नहीं, इतने कहाँ आ गए, कैसे आ गए, जब भगवान कृष्ण जन्म हुए ना उनकी जो लादिनी सती उनकी जो स्वरूप सत्य श्रीमती राधा रानी वहां पर प्रकट हो गई, उन्होंने रीति सिद्धियों का आदेश दिए, मेरे प्रभु प्रिय बांके बिहारी जन्म हुए, आज दान दक्षिणा दो इतने जितना दे उतना बढ़ते रहे और सारा जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद करते रहे कृष्ण की जन्म उत्सव में कितने दान दक्षिणा दी गई। वहां पर स्वयं श्री शंकर जी भी आए थे, शंकर भी डर गए, बोले क्यों, बोले इतने उन्होंने गैया दान दिए, शंकर जी का वाहन भी बैल है, बोले भैया इतने दान दे रहे हैं दान देते देते मेरे जो बेल को भूल से दान नहीं दे दे, इसलिए शंकर जी नंदी को पूछ को पकड़ लिए, बोले भैया मेरी नंदी चली जाएगी तो फिर मैं चाहूंगा कि कहते हाथी घोड़ा पालकी कहते इतने हाथी घोड़े दान दिए कि तुम्हारी माँ भगवती भी आएगी, उनको दो बेटे बताओ तो उनके दो बेटे कौन कौन है, जोर से बोलो कार्तिकेय और गणेश, बोले गणेश जी का सर कैसे, बोले हाथी जैसे, बोले भैया इतने हाथी दान दे रहे हैं ऐसे नहीं, हाथी को देते देते मेरे बेटे को हाथी मान कर तो दान ही ना दे देंगे, इसलिए मैया पार्वती गोद में लेकर के चुप करके खड़ी हुई थी,
हैं, इसलिए कितने दान दक्षिणा दिए, इसलिए सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया। अभी प्रभु जी एक सुंदर बधाई गाएंगे, इसलिए आप लोग बढ़िया कैसे नाचना, क्योंकि ठाकुर जी जन्म हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय आज उनको भी नचना है क्योंकि बधाई है, तो बधाई नंद के घर लाला भायो है, तो बधाई खाली भारत वर्ष में नहीं पश्चात देश में भी पता चला कि नंद के घर लाला भायो है। अच्छा आप लोग वृंदावन कौन कौन गए? लगभग आधे लोग गए हैं, तो आप लोग देखे होंगे वृंदावन में इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, तो वहां है कुछ विदेशी गोपियां भी रहती हैं। विदेशी गोपियां यहाँ बहुत दिन रहने के बाद थोड़ी थोड़ी हिंदी और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में कैसे बधाई दे रही है। कृष्ण कन्हैया तेरे लिए दिल में दिल बनाया, कृष्ण कन्हैया तेरे लिए दिल में दिल कन्हैया जो है एक गोपी की विदेशी गोपी की होगी, तो वो जो है कन्हैया उनके जो है मटकी सर पे थी, वो मटकी छेड़ रहे थे कन्हैया, मटकी छेड़ रहे थे, तो वो गोपी क्या कहने लगी थी दूसरी इंग्लिश गोपी, वो क्या कह रही है, बोले डोले डोरच मई गंगे दी मोहर मोहन रथिया माई माई मदिया मोहन रथिया माई माई मदिया मोहन रथिया। तो आइए हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले चलिए वहाँ कहाँ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी पता चल गया कि नंद के घर लाला भयो है, तो वहाँ के लोग बाग आए हिमाचल से, कुल्लू मनाली धर्मशाला बिलासपुर कांगड़ा देवी ज्वाला देवी वहाँ से भी लोग बाग आए, और वो उनकी भाषा में कैसे बताए गए वृंदावन, बोले श्यामा कुंडलवा कुंडलवा बा तेरी मैं हो
आप देखिए उसके मत में जो है पंजाब पंजाब के लोगों को भी पता चला ना, एक गोपी जा रही थी, दूसरे गोपी बोली इसलिए पंजाब के लोग भी आए और पंजाब के भेषभूषा तो कुछ अलग ही है, ऐसे आते वो लोग आए और उनकी भाषा में कैसे बधाई दे रहे हैं। नचना मोहन देना आज मैं नचना मोहन देना इधर इधर लोग बगाए वो अपने भाषा में कैसे बधाई दे रहे हैं और वो तो भगवान कृष्ण में भी विफल भगवान बज रहा है, तो आइए देखिए कैसे बोल रहे हैं बधाई दे रहे हैं। वो विठल विठल विठला फिर भी 5-6 घंटे लाइन में खड़े रहने पड़ते हैं, फिर जाके दर्शन होता होता सबसे धनी ठाकुर वहां से लोग बाला है और वहां एक बड़े सुंदर नियम है, चाहे वो 4-5 बच्चे की माँ हो यदि तमन्ना पूरी हो जाए तो बाल बढ़ा देते हैं, 4-5 बच्चे की माँ भी बाल बढ़ा देते हैं, वहाँ 4-500 नाई है फ्री में बाल मुड़ा देते हैं, तो वहाँ के लोग बगाए वो कैसे गा रहे हैं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम तो राजस्थान से लोग बाग आए और ब्रज
84 कोस ब्रजमंडल में सबको पता चला कि नंद के घर लाला भयो है। तो ब्रज 84 मंडल के सही गोप गोपियां आए नंद के द्वारे, और हापुर से भी लोग आ गए। ऐसा नहीं है, हापुर से भी लोग आ गए। तो आइए, जितने गोप गोपियां हैं सब सामने आ जाए। आप देखिए ब्रजमंडल में कैसे गोप गोपी बने हैं। कि आज पर भी सी ब्रज नारी बनी, कि आज पर भी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजिया से ग्वाला, पेड़ा से नारे बने बल जो रस खीर रोहिणी रूप रसाला। कि नंद महीने की गुगुन रूप सब गरम मसाला, अर जायो यशोदा जल भी सिराजी ने, रमणी सिराज में लगवा सुलाला। तो आइए अब सभी लोग यहाँ जो लोग कन्हैया को बधाई देंगे, उन्हें नाच नाच बधाई दे, सभी हापुर के और वृंदावन के सभी गोपी नाच रहे हैं। कैसे आयो अरे जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला को मचे गए, जायो यशोदा जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला को मचे गए, अरे अल्लाह तुम गए बुल्ला तुम
गयो भला तो मच गयो दुल्हा तो मच गयो Yeah.
कैस करोगे? मैं नाचो तुम्हारी हरे रंग जुगे 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 हरे रंग जु
मैं बोलूंगा नंद के घर लाला भयो, आप क्या बोलेंगे? नंद के आनंद भय, तो आप क्या बोलेंगे? जय कन्हैया लाल बोल, जय कन्हैया लाल की बोलना है आपको, तो सभी लोग एक बार हाथ उठा लीजिए, हाथ उठाकर खाली बोलना है जय कन्हैया लाल की। ओए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ए हाथी रे घोड़ा रे और की पाद में, ए हाथी रे घोड़ा रे और की पाद में, ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ए हाथी रे घोड़ा रे और घोड़ा पाद में, देखो कल है भागवत में सबसे बड़ा उत्सव है श्री गिरिराज गोवर्धन पूजा है, इसलिए कल हम लोग बड़ी धूमधाम से श्री गिरिराज की पूजा करेंगे। हाँ, आप लोग ध्यान देकर सुना, ये गिरिराज पूजा की इतने महत्व है, कृष्ण खुद बोले जब बोलूंगा गला में माला डालने का, अब डलवाना ठीक है। हाँ देखो, जिस समय श्री जनक महाराज का प्रतिज्ञा थी, ये धनुष में जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। वहां पर बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे, कहते वहां पर रावण भी आया था। वो धनुष इतना बड़ा था जिसको 400 व्यक्ति एक जगह से उठा करके दूसरे जगह ले जाए, लेकिन जनक महाराज ऐसे की प्रतिज्ञा की। बोले एक समय माता जानकी जब छोटी उम्र की थी, एक दिन वो गेंद खेल रही थी और गेंद खेलते खेलते वो गेंद कैसे धनुष को नीचे फंस गया,
लेकिन माँ जानकी वो एक हाथ से धनुष को उठा करके और दूसरे हाथ से उन्हें गेंद निकाल दी। जनक महाराज तो आश्चर्य में पड़ गए। जिसको 400 व्यक्ति उठा करके ले जाते हैं, मेरी बेटी एक हाथ से उठा दी, मतलब मेरी बेटी साधारण नहीं, ये माँ लक्ष्मी स्वयं। अभी लक्ष्मी को साथ में कौन शादी कर सकता है? बोले नारायण ही शादी कर सकता है, और तो कोई शादी नहीं कर सकते। इसलिए जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की थी, ये धनुष को कभी नारायण उठाएगा और कोई उठा सकता नहीं। लेकिन जब रामचंद्र जब जनकपुरी में आए, जनक महाराज जब राम रूप को देखा है ना, पहले तो भगवान को निराकार निराकार बोलते थे, लेकिन कहते इन्हें बिलक तो अति हर्षिता बरवस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। पहले तो ब्रह्म ब्रह्म करते थे, लेकिन राम को दर्शन करते सारे ब्रह्म सुख खत्म, और राम का चरण में इनकी मन डूब गया। जनक महाराज समझ गए ये रामचंद्र साधारण नहीं, ये कौन है? ये ब्रह्म नहीं, ये परम ब्रह्म है। राम कौन है? ये परम ब्रह्म है, केवल यही धनुष को उठा सकता है। लेकिन बड़े बड़े राजा कोशिश कर रहे थे, जब किसी ने उठा नहीं सके। गोस्वामी तुलसीदास बड़ा सुंदर अनूठा उदाहरण दिया, हाँ ध्यान देकर सुना। कहते राम कौन है? बोले झंडा। बोले लक्ष्मण कौन है? बोले डंडा। बोले झंडा कहाँ रहता है? बोले डंडे के ऊपर में, पहले डंडा उठेगा फिर झंडा उठेगा। मतलब लक्ष्मण जब तक नहीं उठेंगे ना, तब तक ये राम नहीं उठ सकते हैं। इसलिए पहले लक्ष्मण को उठा फिर राम उठेगा। इतने में जनक महाराज जी थोड़ी सी उन्होंने ताना मार दिए, लगता है ये पृथ्वी वीर सुन्न हो गया। जिस धनुष को मेरी सीता एक हाथ से उठा लेती है, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा कोई भी टस से मस नहीं कर सकते। इतना बोलते ही लक्ष्मण कौन है? ये साक्षात अनंत देव, साक्षात हरणिधर। आपको पता होगा एक सांप है जो मणिधर सर्प होता है, जिनकी सर पर मणि, मणि में ही इनका प्राण है। अगर कोई मणि को छेड़ देना वो सांप छोड़ेगा नहीं, जिंदा खा जाता है। बोले मणि स्वरूप कौन है? बोले रामचंद्र। लक्ष्मण कौन है? ये अनंत देव। अगर कोई मणि को छेड़ दे, राम लक्ष्मण सह नहीं सकते। जब उन्होंने बताए ये पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, लक्ष्मण को तो इतना क्रोध आया, लक्ष्मण तमतमाते हुए खड़े हो गए। बोले महाराज जनक आप चुप रहो, इतने बड़ी बात ये पृथ्वी वीर सुनने हो गया, हमको पता नहीं ये कौन बैठे हुए हैं, ये मेरे प्रभु बैठे हुए। लक्ष्मण कौन है? ये अनंत नाग है। बोले ये क्या है कि सड़ागला धनुष की बात करते हैं? हम बचपन में ऐसे कितने धनुष को हमने खेलते खेलते तोड़ डाला, ये धनुष का क्या बात है? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को मैं एक कच्चा घड़ा का भांति चकनाचूर में कर सकता हूँ। इतना जब सुने, इतने में राम बोले लक्ष्मण चुप बैठो, यहाँ पर गुरु जी दिख नहीं रहा है। अरे गुरु जी को आदेश देने तो दो, मेरे को पता तू साक्षात हरणिधर है, अगर तू ये धनुष को तोड़ोगे तो मेरी क्या होगा बताओ? क्योंकि धनुष जो तोड़ेगा उसको साथ में शादी होगी, अगर तू तोड़ोगे फिर मेरी क्या होगी? चुप बैठ। अभी गुरु जी समय देख करके बोले राम बेटा जाओ, ये जनक महाराज के हृदय में जो ताप उसको दूर करो। अभी गुरु जी के आदेश को पा करके प्रभु राम धीरे 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 आगे बढ़ रहे। सामने धनुष और माता सीता सामने खड़ी हुई वरमाला लेकर के। इतने में मैया सीता तो राम की कोमलता मीठी मीठी हवा दे रही थी, भगवान राम उसको चयन कर रहे थे, वो इनका हाथ में समर्पित हो रहा था। लेकिन राम इतने कोमल शरीर, उसी समय में ही उनके शरीर में बचना दे रहा था, इतने प्रभु राम कोमल शरीर है। मैया का सोच रही है इतने जो कोमल अंग है, इतने बड़े धनुष को क्या उठा पाएंगे? अगर प्रभु ये धनुष को नहीं उठा पाएंगे मेरी क्या होगी? इसलिए मैया सीता को प्राण त्याग करने जा रहे थे। राम सीता की भावना को समझ गए। बोले भैया कहा बरसा जब किसी सुनाए, मैं धनुष तोड़ने क्यों जाऊंगा? सीता की शादी के लिए, अगर शादी से पहले अगर सीता प्राण त्याग दी फिर धनुष तोड़कर क्या लाभ है? इतने में राम सीता की भावना समझ कर जल्दी जल्दी गए, जा करके पता नहीं कब धनुष को पकड़े,
तब उन्होंने उठाया, जब उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए, धनुष में दो टुकड़े हो गए और इतनी जोर से टहलका मच गई, जहां पर टहलका मच गई, परशुराम जहां पर आ गए थे। इतने में जनक महाराज देख करके बोले, सुन नैना, जल्दी से जल्दी सीता को साथ में लेकर जाओ, अभी मैया से बरमला लेकर दी ना, तो साली लगेगी क्रॉस से। उनको कानों में चुपकी सी बोली, बोले राम थोड़ी सर झुका दो ना। राम बोले, क्या सर झुका दो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? दशरथ महाराज का बेटा हूँ, इसलिए रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन जाए। आप मेरी तरफ पे देखो, उधर मत देखो, प्राण जाए बरु बचन ना जाए, मैं दशरथ महाराज का बेटा हूँ, मेरे वंश में कोई कभी किसी को चलने में सर नहीं झुकाए, अभी शादी भी नहीं हुई, बोले सर झुका दो। इतने में जो सखियां थी ना, लक्ष्मण को बोले, बोले देख लक्ष्मण, अगर तू हमारा काम करोगे ना, मैं तेरे काम कर दूंगा। लक्ष्मण बोले, भैया क्या काम है? बोले, ये सीता जैसे सुंदरी है ना, इसकी एक छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला, वो भी ऐसे सुंदरी, तू हमारा काम कर, तेरे काम हम कर देंगे। लक्ष्मण बोले, फिर तो करना पड़ेगा, क्यों शादी की बात आ गई ना, लक्ष्मण करना पड़ेगा। इतने में राम बोले, लक्ष्मण कुछ कर। बोले, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, धरणीधर हूँ, पृथ्वी दो टुकड़े नहीं एक है, अगर मैं ऊंचा करता हूँ ना, दोनों ऊंचे हो जाएंगे, नीचा करूंगा तो दोनों ही नीचे हो जाएंगे, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बोले, अरे कुछ कर, तेरे भाभी को देख, माला लग रही खड़ी हुई। बोले, कुछ कर, अभी प्रभु की भावना समझ करके लक्ष्मण प्रभु राम के चरण में झुके प्रणाम करने के लिए, लक्ष्मण राम का चरण में प्रणाम करने के लिए झुके। अगर कोई प्रणाम करेगा तो आप क्या कर, उसको उठाओगे? इतने में राम जब उठाने के लिए गए, सर नीचा हो गया और माता जानकी ने माला बहना। बोले, पवन सुत हनुमान अभी उसी यादवर जी के संग पर
और जब संसार की जब शादी होती है तो दारू पी पी के लोग नाचते हैं। यहाँ सब लोग सब खड़े हैं, भगवान की शादी है। दो मिनट और राधा जी की कन्यादान की।
हाँ जो कन्यादान करना चाहते कन्यादान करो। हरे कृष्णा। राधा रानी की थोड़ी सी कथा सुन लो। राधा रानी के जो जन्म होती है, राधा रानी आ गई, पर राधा रानी की कथा सुन लो। बोले श्रीमती राधा रानी, बोले श्री वृषभानु राज नंदिनी की जय। जय श्री राधे। भैया लेकिन घर में कोई बेटी नहीं, इसलिए राजा सोच रहे हैं घर में एक बेटी चाहिए, क्योंकि आप देखना घर में जब कोई बेटी आती है ना, सारा दुनिया कहते माँ लक्ष्मी आई है, माँ लक्ष्मी आई। और सचमुच से जिसके घर में बेटी जन्म होती है, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। अब देखना बेटी को जब दान की जाती है, वो लक्ष्मी रूपा मान करके बेटी की दान देती है। इसलिए दान में सबसे बड़ा दान किया है, बोले कन्यादान। इससे बड़ा दान जगत में कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी लोग दुखी हो जाती हैं अगर बेटी आ जाए। हाँ बेटी आ जाए, लेकिन बेटा आ जाए ना सुखी होती है? नहीं। बेटी मैंने बहुत जगह पर मैंने गया देखा, जब घर में बेटा का शादी हो जाती है ना, घर में बहू आ जाते, कभी कभी पिता माता को घर से निकाल देते हैं। लेकिन जा करके लास्ट में वो कहाँ सहारा लेता है? बेटी को पास है। मैंने सारा दुनिया में मैंने गया है, लास्ट में माँ जा करके पिता माता बेटी को पास में आश्रय लेते हैं। ये इसलिए बेटी आए तो दुखी नहीं, बेटी आए तो सुखी होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हुई है, इसलिए अभी श्री वृषभानंद महाराज सोच रहे हैं घर में तो एक बेटा है, लेकिन घर में एक बेटी आई, कन्या आनी चाहिए। इनका नित्य नियम था, रोज सवेरे जा करके स्नान करते थे यमुना नदी में। जब यमुना नदी में स्नान करने गए, देखा एक सतदल कमल फूल के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक किशोरी किलकारी मारते हुए वो बहते हुए आ रही, और शरीर की छटा चतुर्दिग उद्भासित हो रहा था। इतने में श्री वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और वो बेटी को उन्होंने गोद में ले ली। बोले श्रीमती राधा रानी, और उन्होंने ला करके कृतिका मैया को दिया। बोले देखो ठाकुर जी ने हमें एक बेटी दिया है। और कृतिका मैया बड़ी सावधान से बेटी की सेवा कर रही थी। नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए, लेकिन कृष्ण कभी अकेले नहीं आते है, वो अपना शक्ति श्री राधा जी को साथ में आते है। राधा रानी है कहाँ? उन्होंने गली गलियों में जा जाकर के पूछ रहे थे। जब श्री रावल में आए, वृषभानंद महाराज को बोले, बोले घर में कोई संतान भाई है? उन्होंने बेटा को दिखाया, बोले कोई बेटी भाई की नहीं, और चुप हो गए। ये हमारे जन्म से प्राप्त किया, इसलिए बोले हाँ एक बेटी भाई है। बोले ले आओ। जब उन्हें बेटी को लाए ना, देखा तो यही श्रीकांत प्रभु, यही तो भगवान की पूर्ण शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान की लादिनी शक्ति कौन है? श्री राधा रानी। श्री नारद जी बहाना बनाए, बोले जाओ थोड़ा फूल ले आओ, तुम्हारी बच्ची को मैं आशीर्वाद दूंगा। जब वो अंदर में गए ना, इतने में श्री राधा रानी एकदम किशोरी बन गई, सब सखियां वहां पर प्रकट हो गए। और श्री नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते है। आप मेरे साथ में दो श्लोक गा लो। बोले मुनिन्द्र बिन्द वन्दिते त्रिलोक सोपहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे त्रिकोट भुवि नन्दिनि प्रयेन्द्र भानु नन्दिनि प्रयेन्द्र दुनु संगते सदा गरीन्द्रियम कृपा कटाक्ष भाजत अशोक वृक्ष वल्लरि पितान मण्डपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रवायुरान्वि गोमले वराद भयासुर प्रये प्रभूत सम्पदालये करात्मरीन्द्रियम कृपा कटाक्ष भाजत
अंतर ध्यान हो गई। बोले देख बेटा फिर गिरिराज गोवर्धन में दर्शन दूंगा। और वृषभ महाराज खुश हो गए, नारद जी ऊपर ऊपर से थोड़ा आशीर्वाद दिए। अभी नंदक श्री वृषभ महाराज ब्रज में प्रचार कर दिया, मेरे घर में लाली भाई सबके सब बधाई देने आओ। अभी नंद बाबा भी आए, भैया जसोदा लाला को लेकर के आए। लेकिन राधा रानी जब से जन्म हुई है तब से उन्होंने आंख बंद करके रखी। इनकी मन में इच्छा सबसे पहले अपना प्रियतम कृष्ण को देखो, दुनिया में फिर मैं देखूंगी इसको। इतने में श्री मैया जसोदा ने कन्हैया को लाए, जिस पलंग को ऊपर में श्री राधा रानी लेट हुई थी एक साथ में दोनों को लेटा दी। इतने में कृष्ण अपना हाथ को श्री राधा जी को ऊपर में रख लेते हैं, और जब देखा राधा जी को हाथ में ऊपर रख दिए, राधा रानी को पता चला मेरे सामने श्री कृष्ण आ गए। फिर श्री राधा रानी आंख खोल दी, सबसे पहले आंख खोल कर कृष्ण को दर्शन की। वृषभानंद महाराज तो प्रसन्न थे लेकिन थोड़ा दुखी भी थे, पता नहीं ये लाली जन्म से आंख बंद करके अंदर अंदर में क्या सोचती है। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को दर्शन कर ली, आंख खोल ली, वृषभानंद महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले खूब धूमधाम से श्री राधा रानी की जन्म महोत्सव होनी चाहिए, सारे ब्रजवासी बधाई लेकर के आए और श्री कीर्तिका मैया को और राधा रानी को बधाई दे रहे। प्रभु जी एक बधाई का बोलो राधा रानी की। हरे कृष्णा हमारे प्रभु जी, प्रभु जी आज प्रसाद किसका किसका प्रसाद है? हेलो, राधे राधे। खूब खाओ। चंद्रशेखर भट्ट जी, अशोक सिंगल, मांगे राम त्यागी जी, रिटायर दरोगा जी, ये दरबार में आए और ठाकुर जी की आरती करें। हरे कृष्णा जी, लोगों ने आज राधा रानी की जन्म, राधा रानी कौन है? ये सर्वल लक्ष्मी भाई, इनकी आज जन्म तिथि और भगवान राम का शादी हुए है। जिन लोगों ने आज प्रसाद दिए हैं, हम ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इनके परिवार में शांति और सुख दे, यार खूब जगत में फलते फूलते रहे। इनके लिए आप जोरदार ताली बजाओ। हाँ देखो, हम लोग से एक प्रार्थना है, देखो ध्यान देखो सुनो। जैसे जो प्रसाद जो लोग दिए हैं, प्रसाद सबको मिलनी चाहिए। हम प्रसाद क्यों दिए हैं? सबको प्रसाद मिले इसलिए तो प्रसाद दिए। ऐसे नहीं प्रसाद दिए नहीं, बीच में प्रसाद लेकर घर के भाग के, फिर प्रसाद देने का महत्व क्या रह गया? इसलिए हम प्रसाद देते हैं सबको, पास में प्रसाद पहुंचे। इसलिए अब से प्रार्थना है, जैसे सबको पास में प्रसाद पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिसको प्रसाद मिलता है उनका भी मंगल होता है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अभी प्रभु जी, हाँ कल श्री गिरिराज महोत्सव है, कल श्री बोले गिरिराज बाबा की। हाँ देखो, कल हम लोग बड़ी धूमधाम से भगवान गिरिराज की महोत्सव मनाएंगे। इसलिए गिरिराज महोत्सव में हम लोग घर से कुछ ना कुछ बना करके लाना, ठीक है ना? और जैसे मिठाई हो, कोई फल हो, नहीं तो कोई बढ़िया चीज अगर घर में बना सकते हो, बगैर प्याज लहसुन के आप लोग लेकर के आना। कल गिरिराज की अगर एक बार कोई सेवा कर दे, ध्यान देकर सुना, एक बार अगर गिरिराज की सेवा में एक अन्न का दाना जिसकी लग जाती है, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं होगा। और गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता, मतलब सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज पूरी करते हैं। बोले श्री गिरिराज बाबा की। देखो कौन कौन गिरिराज गए हैं, हाथ उठा दो, देखना गिरिराज गोमर, ध्यान देख रहे सुनो, गिरिराज की कितने महिमा। जो लोग गिरिराज गए देखे होंगे, गिरिराज की शिला के ऊपर में पत्थर के ऊपर में पत्थर रखा हुआ, जानते हो क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, वो गिरिराज पत्थर के ऊपर में जितने पत्थर शिला रख दोगे ना, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते, इतने महिमा। अब लोग गिरिराज गए होंगे, देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, पेड़ में धागा बांध करके आते हैं। बोले क्यों? बोले जिनका बिजनेस नहीं चलती है, जिसकी बेटा बेटी की शादी नहीं, घर में कोई दुख कष्ट है, गिरिराज परिक्रमा लगाओ, अभिषेक करो, गिरिराज सारी इच्छा पूरी कर देते हैं। कहते जो व्यक्ति श्री गिरिराज की परिक्रमा करते हैं
कृष्ण स्वयं उनको पीछे 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 गिरिराज गोवर्धन को पीछे कृष्ण उनको पीछे पीछे घूमते हैं। इतना कष्ट करके ये मेरी परिक्रमा लगा रहा है, ये क्या मांगेगा? जो मांगे गिरिराज उनको वही दे देते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से ये दुनिया छोड़ कर गए, लेकिन केवल प्रभु जगत में तीन चीज छोड़ करके हमारे लिए गए। केवल तीन चीज, चार नहीं, जानते हो तीन चीज क्या है? एक में तो श्री गिरिराज गोवर्धन, ये गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये साक्षात भारतीय बिहारी कृष्ण स्वयं, ये कोई पत्थर नहीं, कल इसकी कथा हम सुनेंगे। दूसरा चीज क्या? बोले यमुना पटवानी। बोले तीसरा क्या? बोले ये ब्रज मंडल परिक्रमा, ये ब्रज धाम। प्रभु जगत में केवल ये तीन चीज को प्रभु रख कर गए, और ये तीन चीज ही जीव का कल्याण करने वाले। कल हम श्री गिरिराज की बड़े धूमधाम से श्री गिरिराज कल हम परिक्रमा को लगाएंगे यहाँ पर बीच में गिरिराज को रख करके। हाँ देखो भाई लोग, आप थोड़ी सी ना गोबर में गिरिराज को बनाना। कौन यहाँ पर कला गा रहे हैं? हाँ गोबर से है गिरिराज किसके पास में? आपके पास में ना, ठीक है। इनके पास में गिरिराज भी है, अब गोबर का भी थोड़ा गिरिराज बना दीजिएगा। हम यहाँ बीच में रख करके गिरिराज की, सबके सब गिरिराज की परिक्रमा करना, और जो मांगना श्री गिरिराज से मांग लेना। गिरिराज आपकी सब इच्छाओं को गिरिराज पूरी कर देंगे। बोले श्री गिरिराज बाबा जय जय श्री राम। अभी प्रभु जी एक राधा जी की बधाई सुनाएंगे, और राधा जी की बधाई में राधा रानी कौन है? ये सर्व लक्ष्मी मई राधा रानी। इनकी बधाई में जो नाचेगा ना, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। इसलिए सबके सब खड़े हो जाओ, राधा जी की बधाई में सबको सुनाते हैं। हाँ प्रभु जी प्रसाद इनकी तरफ। बोलो प्रसाद बारी, बोलो राधा रानी की जय। जय मुरधरानी प्रगट भयो बधाई बाज दे। राधा रानी प्रगट I'm in
हरे छाई हरे छाई राधा रानी पे राधा रानी पे राधा रानी पे जय बलिहार आए राधा रानी पे जय बलिहार हे बधाई दे बधाई No, 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 no
I'm gonna